शेषे हाथरस पीड़िता परिवार को भेटापी गले राहुल और प्रियंका गांधी मात्र पांचज नेता भेटापी अनुमति देखते योगी सरकार पीड़िता परिवार को भेटापी 35 जन सांसद सहित एक बड़ टीम गस्त करता हेले डीएमडी प्रशासन अनुमति दे नपरिकी किसी कर्मी को पुलिस लाठीचार्ज करपटे विभिन्न दिग्व कड़ा समालोचना होगापर पीड़िता घर पाखर हटि समस्त ब्यारिकेड अंपटे सुप्रीमकोर्ट तत्वावधान में मामलार तदंत करने जनस्वार्थ मामला दाखल होती गुरुवार ना हेले शनिवार हो हाथरस पीड़िता परिवार को भेटापी अनुमति पर पुणी थे हाथरस मार्च करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं भौणी तथा महासचिव प्रियंका गांधी पीड़िता परिवार को भेटा को भाई भौणी समेत दलर प्राय 35 सांसद और विधायक जाते यूपी हेले डीएमडी रे उभय नेता पहुंचा पर एकजुट होते हजार हजार कर्मी योगी सरकार विरोध में देते स्लोगान गहली देखी सुरक्षा बढ़ाई पुलिस एपरिकी उभयों गाड़ी को पुलिस किसी समय अटकई दीर्घ समय छका पंझा पर प्रशासन राहुल प्रियंका समेत मुकुल वास्निक अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल को भेटापी अनुमति देता हेले अन्य कांग्रेस कर्मी हाथरस जावाक बाहरी बेले पुलिस सेमानों ऊपर लाठीमार कर गुरुवार प्रियंका और राहुल हाथरस अभिमुखे जावाबले से अटकई पुलिस यह विरोध में कांग्रेस सारा देश में विरोध प्रदर्शन कर महिला के साथ अत्याचार हुआ उस अत्याचार जो किए हैं और जो हुआ है उसके खिलाफ राहुल जी लड़ रहे कांग्रेस पार्टी लड़ रही तो वो लोग कम से कम इसमें स्पॉन्टेनियसली वो रेस्पॉन्स देना चाहिए। देखिए निरंतर प्रयास रहेगा कोई रोक नहीं सकता और राहुल जी ने स्वयं कहा है कि दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको पीड़ित परिवार से मिलने से कोई रोक सके और अब देखिए सब रास्ते साफ हो जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है यूपी के लिए, ये तो रोज का रूटीन हो गया है यूपी के लिए। इसमें तो जिम्मेदार खाली पुलिस नहीं है, पुलिस तो एक हिस्सा है, ये वहाँ की लीडरशिप का और उस लीडरशिप की मानसिकता और उसकी सोच दिखाती है कि क्या हो रहा है। सेपटे विभिन्न दिगरु कड़ा समालोचना हबा परे पीड़िता घर पाखर हटि समस्त ब्यारिकेड पुलिस गणमाध्यम प्रतिनिधि मानंकु पीड़िता परिवार को भेटापी देखा अनुमति यापर पीड़िता परिवार कहते सुप्रीमकोर्ट तत्वावधान में एक स्वतंत्र टीम द्वारा मामलार तदंत करा तेबे एसआईटी और सीबीआई तदंत को खारज करिछंती परिवार लोके सेमाने अभियोग करिछंती अभियुक्तंकर एसआईटी सह संपर्क रही सेहिभली यूपी पुलिस डीजी मध्य पीड़िता परिवार लोकंकु भेटिछंती दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान प्रतिश्रुति हम लोग ने परिवार से पूरी बात एक एक परिवारजन से की है, उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें कही हैं हमसे, उनका सभी का हम लोग समाधान निकालेंगे। हमारी एसआईटी के हमारे एसआईटी का एसआईटी की गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसके अधिकारी आकर एक एक चीज को सुनेंगे, आपकी हर चीज का समाधान निकालेंगे। हम अभी पुलिस लाइन जा रहे हैं, प्रेस वहां पर। सेपटे हाथरस गणदुष्कर्म घटना को नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार पाई बढ़िवारे लगी अड़ुआ मामला एवं सुप्रीमकोर्ट में पहुंची सुप्रीमकोर्ट तत्वावधान में मामलार तदंत करने पीआईएल माध्यम प्रार्थना कर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।